इसमें ऐसे कैसे कितने मोमेंट रहे जब आपको किसी बच्चे को हौसला अफजाई करनी पड़ी या एक दूसरे को सहारा देना पड़ा या उसको एक दूसरे का आप सहारा बने, ऐसे कितने मोमेंट आए आपके साथ? ये लगभग हर समय ही एक दूसरे को हम सब ने प्रोत्साहित किया। कभी ना कभी ऐसा होता था कि किसी की या तो तबीयत खराब हो जाती थी या किसी का थोड़ा सर दर्द होता था, तो हर समय एक दूसरे को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि चलो बस ऊपर तिरंगा फहराना है और कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने तिरंगा फहराया तो उस वक्त जो भाव थे वो क्या रहे आपके आपके मन में या सभी के पूरे आपके ग्रुप के मन में? सबके आंसू बह रहे थे, सबको लग रहा था कि बस आज ही का दिन है जो जी भर के जीना है। अच्छा, ऐसी कौन सी कमी थी जो पूरे एडवेंचर में आपको लगी कि इस चीज़ की कमी थी, अगर ये होता तो बहुत बेस्ट होता? टोटल कितनी हाइट रही पूरे एडवेंचर की? सबसे ऊपर हम थे 5,930 फीट। थोड़ा सा आप अपने जो एडवेंचर जो कैंप रहा है इसकी विस्तार से बताएं कि कहां से आपने चढ़ाई शुरू करी और फिर कहां कितने स्टॉपेज लिए, जिससे जो और छात्र हैं उनको मोटिवेशन मिले या जो कमियां हैं वो निकल कर आए। किलिमंजारो में कई रूट्स से हम जा सकते हैं, उनमें से हमने लिमोशो रूट लिया था। हमारा 5 दिन का ऊपर चढ़ने का था और 2 दिन का नीचे उतरने का था। पहले दिन हमने 7 किलोमीटर चढ़ाई की। उस दिन शाम को रुके, सब डाइनिंग टेबल अच्छे से सब लगा हुआ था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाइनिंग टेबल विद चेयर सब कुछ लगा हुआ हमें मिलेगा। वहाँ पे हमने रात में खाना खाया, टेंट्स लगे हुए थे, मैट्रेसेस बिछे हुए थे, हमने जाके रेस्ट लिया। नेक्स्ट डे सुबह फ्रेशन अप होके सब ब्रेकफास्ट करके सब कुछ बहुत अच्छा मिलता था, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके फिर हम उस दिन 17 किलोमीटर्स हमने ट्रैक किया। उस दिन 17 किलोमीटर्स रहने के बाद काफ़ी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। हम पहुँचे, हमने तब हमें लंच भी, लंच पॉइंट के लिए भी हम रुकते थे, लंच भी हमें गर्म मिलता था। फिर लंच पॉइंट में हाफ एन आवर 1 आवर रेस्ट लेके लंच करके 15 मिनट्स रेस्ट लेके फिर हम अपना जर्नी चालू करते थे। इवनिंग में शाम हो जाती थी, पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो जाता था, तो टॉर्च लाइट्स और गाइड्स की हेल्प से हम लोग फिर डिनर टाइम तक पहुँचते थे। डिनर टाइम फिर हम डिनर लेके फिर अपने रेस्टिंग बेड्स पे चला जाते थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा 10 किलोमीटर्स का ट्रैक था। उस दिन 10 किलोमीटर्स थर्ड डे था जब हमने बेरैंको वॉल पास की थी, वो 4 किलोमीटर्स की थी। काफ़ी चैलेंजिंग थी, बहुत एडवेंचरस थी, लेकिन सब ने उसे इतना ही इन्जॉय किया और एक दूसरे का सहारा बने सारे। एक कहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ा, साथ में चले, एक दूसरे को मोटिवेट किया। फिर लंच लेके फिर उस दिन थोड़ा सा उतरे, एकदम वरना ऊपर चढ़ते चढ़ते सबका एक्लिमेटाइज करने के लिए अपने आप को उस दिन थोड़ा सा और नीचे आए और फिर शाम तक अपने रेस्टिंग बेड्स पे डिनर लेके फिर चले गए। नेक्स्ट डे फिर हमारा ट्रैक 7 किलोमीटर्स का था। उस दिन हम थोड़ा जल्दी आ गए, इतना शाम नहीं हुआ था। फिर लंच पॉइंट लिया, हमें हमेशा तीनों मील्स जो मिलते थे वो हॉट मील्स मिलते थे हमें, कभी भी हमें ठंडा खाना नहीं खाना पड़ा। फिर लंच लेके फिर हम फिर से स्टार्ट किया हमने, और फिर पहले हमने 4 किलोमीटर्स कवर किया, लंच लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर 3 किलोमीटर्स कवर करके फिर हम आए, डिनर लिया, सारे एक दूसरे को मोटिवेट किया, खुश हुए और फिर अपने बेड पे चले गए। फिर नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट डे हमारा 5 किलोमीटर्स का छोटा ट्रैक हमारे लिए इसलिए रखा था क्योंकि उसी दिन रात में 12 बजे हमें अपने समिट के लिए ट्रैक शुरू करना था। तो उस दिन का ट्रैक सिर्फ 5 किलोमीटर्स तक का था, वो हमने दिन में लंच टाइम तक कवर कर लिया। लंच टाइम में हम अपने कैंपिंग बेस पर पहुँचे, वहाँ पर लंच किया सबने, सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, सब खुश हुए, हंसे, फिर उसके बाद अपने कैंप में चले गए। उस दिन इवनिंग तक का रेस्ट था, हमने 7 o'clock पर डिनर किया, उसके बाद फिर हमने फिर रेस्ट किया 12 o'clock तक। 11 o'clock 11:45 तक सब अपने टेंट से रेडी होकर सब बाहर आ गए। उसके बाद फिर 12:15 तक हमने अपना समिट ट्रैक शुरू किया। समिट ट्रैक वॉज ऑफ 15 किलोमीटर्स। हमें बहुत बीच में सबका कहीं ना कहीं हिम्मत टूटा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे रुक रहे थे पैर जम जा रहे थे,
और जैसे सब बैठ रहे थे वैसे सो जा रहे थे, क्योंकि सब बच्चे बहुत थके हुए थे, दिन में नींद नहीं आया था अच्छे से। फिर सब ने एक दूसरे को बहुत चीयर किया, सब एक दूसरे का सहारा बने, और फिर फाइनली ऊपर दो पीक्स है, एक स्टेला पीक है और एक उरु पीक है। स्टेला पीक 1 किलोमीटर नीचे है उरु पीक के। तो स्टेला पीक जब तक हम पहुँचे तब तक सनराइज़ हो चुका था। सनराइज़ हमने ट्रैक के बीच में ही स्टेला पॉइंट से पहले हो चुका था। फिर जब स्टेला पॉइंट पहुँचे सनराइज़ हो चुका था, सब वहाँ बैठे, सब ने रेस्ट लिया, सब सबको पैकेट्स दिए गए थे, फूड पैकेट्स जिसमें बिस्किट फ्रूटी और दो चार चीज़ें चॉकलेट्स वगैरह दी गई थी थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए। वहाँ पे सबने वो खाया, सबने रेस्ट लिया अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आवर का। उसके बाद फिर वो 1 किलोमीटर का ट्रैक जो हमारा उरु पीक जो हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ हमें तिरंगा फहराना था वहाँ पे चलना, वहाँ के लिए हम सब ने साथ में शुरू किया। और फिर वहाँ पे जाके जब वहाँ पे ख़त्म किया तब सबने सांस ली कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने नाम रोशन किया है। फिनिशिंग पॉइंट का लास्ट टाइम क्या था? 9:30 सुबह या शाम? रात सुबह। ठीक है, अब ऐसा जो कैंप आपने किया है इसके बाद आप जो आपके और छात्र हैं, जिस तरह से प्लान किया था तो हमारा ये मन था कि ये पूर्णमासी की रात को पहुँचे वहाँ पर, पर उससे 2 दिन पहले का स्लॉट मिला। 12 तारीख को ये लोग वहाँ पहुँचे, जैसे 13-14 का। हम यहाँ से 5 तारीख की सुबह के लिए से दिल्ली के लिए निकले। मेरा नाम जानवी खेमका है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं इस ग्रुप की लीडर थी, मैंने ही मेरी टीम थी जिसको मैं साथ लेकर चल रही थी। हम लोगों का 7 दिन का ट्रैक था। हमारे 2 स्क्वाड टीचर्स थे, एक सुमन दी और विनय सर, दोनों ही बहुत ही एनर्जेटिक थे। जब देखो हमें हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ बातें करते थे, हमें दिन भर हंसाते थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी टीचर के साथ गए, वो एकदम एज अ पेरेंट हमारे साथ बात करते थे, हंसते थे, हम सबको मोटिवेट करते थे। हम लोग का 7 दिन का ट्रैक था, हमारा लिमोशो रूट था, हमने चालू किया था। फिर फर्स्ट डे हम 7 किलोमीटर्स हमने कवर किया। कहाँ का था ये? किलिमंजारो का ट्रिप था, जो साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और वो 5,895 मीटर्स का था और 19,317 फीट का था। सबको लगा, कहीं ना कहीं सबको लगा कि क्या ये हो पाएगा, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी टीम है, ये हमारी टीम है, तो हम ये ज़रूर कर लेंगे। हमारी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। मैं कभी आगे चलती थी, कभी मैं अगर पीछे भी हो जाती थी तो मेरी एक और फ्रेंड थी रिया गलानी और मेरे सारे टीममेट्स, हम सब एक दूसरे को पुश करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 ग्रुप्स बन गए या फिर क्लास वाइज ग्रुप्स बन गए, सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे। ऐसे कौन से मोमेंट रहे जब आप स्वयं को ये लगने लगा कि थोड़ा कुछ कठिन हो रहा है, और आपको बच्चों के चेहरे दिख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत कठिन हो रहा है, फिर आपने मोटिवेशन किया, सबने मोटिवेशन किया, वो कौन से मोमेंट थे, एंड ऑफ मोमेंट थे, क्या थे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, जब हम बरैंको वॉल 3rd डे पार कर रहे थे, वो रॉक क्लाइंबिंग था, वो बहुत ही एडवेंचरस था, लेकिन वो क्योंकि वो बहुत स्टीप था तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर कोई गिर गया तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, या फिर वो अपना हौसला कहीं ना कहीं खो बैठेगा अगर उसे चोट लग जाएगी। तो तब सबको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तब सबको साथ में लेके चलना, सबका एक दूसरे को हाथ पकड़ना के आगे बढ़ाना, तब बहुत ज़रूरी था। और तब मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा तब लगा जब हम लास्ट डे 15 किलोमीटर रात से चल रहे थे, हम कंटिन्यूसली चल रहे थे, हमारे पैर जम रहे थे, सब थक रहे थे, सबकी एनर्जी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि उस दिन नाश्ता तो समय करने मिला नहीं था, रात से चल रहे थे, कहीं ना कहीं सब थक रहे थे, कहीं ना कहीं मैं भी थक रही थी। जब मैं थक रही थी, मेरी पूरी टीम मेरे साथ पीछे खड़ी हुई थी कि अगर आप नहीं चलोगे तो हम कोई नहीं जाएगा, तो सब मेरे ऐसा कुछ। मेरा नाम रिया कलानी है और मैं क्लास 12th से हूँ।
ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा पूरे कैंप में कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ कभी कभी ऐसे होता था कि हम बहुत थक जाते थे और रात में हम जब सोने जाते थे अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर तो हमें ठीक से नींद भी नहीं आती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। पर फिर सुबह जब हम वापस शुरू करते थे सबको देखते थे कि सबके चेहरे पे हंसी है तो फिर हमें भी ऐसा लगता था कि नहीं सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम जब रात में टेंट में जाते थे तो हम सबका एक बॉडी बना हुआ था जो हम लोग दोनों एक दूसरे के ख्याल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तो वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे कि ऐसे मत सोचो अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो वो ही सबको एक दूसरे को देख के एक दूसरे को अच्छे से मोटिवेट करके सबसे अच्छे से बात कर। वेदी है और मैं 11वीं कक्षा में हूँ। मुझे पहली बार जब इस ट्रिप का पता चला था तो मुझे पहली बार सुनने में इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया था और मेरा मन करा था और तब से लेके जब ये ट्रिप फाइनल हुई तब तक के मैं लगातार इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। इस ट्रिप से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हम ये ट्रिप ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। ये हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट था। कई बार ट्रिप में ऐसा हुआ था कि हमारी तबीयत ख़राब हुई, हमें हाई एल्टीट्यूड के कारण चक्कर आते थे, वॉमिटिंग होती थी, लेकिन किसी ने भी हमारे ट्रिप में हिम्मत नहीं हारी। सब एक दूसरे का सहारा बनते थे, सब एज अ इंडिविजुअल गए थे पर हम सब एक टीम की तरह वापस आए हैं। सब एक दूसरे के साथ हैं और पीक तक के हमने यही सोचा था कि अगर हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे और हमने ये किया और हम इतने प्राउड थे कि हमने अपने स्कूल को प्राउड किया, हमने अपने नेशन को प्राउड किया और हम बहुत ही खुश थे कि हमने ये पूरा अचीव किया। मेरा नाम प्रियंका सिंह तोमर है। कैंप में सब कुछ सभी अच्छा था और सबसे अच्छी बात कि सारे पोर्टर्स और गाइड जितने भी थे सब बहुत हेल्पिंग थे और आप सोच नहीं सकते कि वो सब कुछ सामान सारा डाइनिंग टेबल चेयर्स टेंट सब कुछ कैरी करके ऊपर हमारे लिए ले जाते थे सारा। और हमें दिन में 3 बार गर्म खाना मिलता था और सब कुछ फ्रेश फ्रूट्स से लेके जूस वगैरह सब कुछ मिलता था। क्या कभी घर की याद आई? हाँ बीच में ऐसा हुआ था कि सोचा था कि बस अब छोड़ दो अब नहीं होगा, रोना भी आता था, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हुई पर लेकिन जो हमारे साथ हमारे टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिंग थे, उन्होंने हमें थ्रू आउट सपोर्ट किया, उनके कारण ही हम कर पाए और हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स हमारे प्रिंसिपल मैम वाइस प्रिंसिपल मैम सबके कारण। क्या आपको जब जाने के लिए मैम ने कहा तो आपने घर पे पूछा होगा पेरेंट्स से तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा ने तो एक बार में हाँ बोल दिया, उन्होंने बोला हाँ जाओ जरूर जाओ इस ट्रिप के लिए। मेरा नाम सुमन यादव है और मैं सिंधिया कन्या विद्यालय में एक काउंसलर और हाउस मिस्ट्रेस के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे मौका मिला 17 बच्चों को इस ट्रैकिंग ट्रिप पर किलिमंजारो ले जाने के लिए और चूँकि हमारा स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है और बच्चे हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो हम बच्चों को अच्छे से जानते हैं, उनकी आदतें उनके एटीट्यूड के बारे में काफ़ी जानते हैं और ट्रिप पर भी हमें उन्हें ऑब्जर्व करने का और भी मौका मिला। ट्रिप पर कई ऐसे मौके आए जहां हमें लगा कि बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, जैसे 5वें दिन पर जब बच्चे उरु पीक से लौटे तो एक बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा कि उसके सारे कपड़े जो वो टेंट में छोड़ कर गई थी वो भीग गए हैं और उनके पास कुछ भी सूखे कपड़े नहीं हैं तो हम कुछ कपड़े एक्स्ट्रा ले गए थे यही सोचकर कि कहीं किसी बच्चे का बैग खो जाए या गीले हो जाए कपड़े या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए। उसकी वजह से हमें एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज भी देना पड़ा पर वो काम आया क्योंकि जब बच्चे के कपड़े गीले हुए तो हमारे पास एक्स्ट्रा सूखे साफ कपड़े थे जो हमने उसे दिए पहनने के लिए और उसके बाद वो आराम से अपना ट्रैकिंग जारी रख पाई। हाई एल्टीट्यूड के कारण बच्चे शाम के समय में थोड़े थक जाते थे, उदास हो जाते थे, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती थी तो पर्सनली उनको जाकर पूछना, उनको खाने के लिए मोटिवेट करना, उनको समझाना कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो नेक्स्ट डे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से हमने बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनका ध्यान रखा और यही उनके साथ हमेशा रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंह राठौड़ है। हमारा 17 बच्चे और हम 2 टीचर
आदरणीय सुमन जी के नेतृत्व में हम लोग माउंट किलिमंजारो हाइक करने के लिए हिंदुस्तान से तंजानिया ईस्ट अफ्रीका गए थे, और सौभाग्यवश हमने माउंट किलिमंजारो, जिसका हाइट 5,895 मीटर था, 17 बच्चों के साथ हाइक किया है और देश का, प्रदेश का व सिंधिया कन्या विद्यालय का नाम रोशन किया है। एक इस ट्रिप के पहले एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले मेरे पिताजी को, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया और शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया कि पिताजी को इमरजेंसी ICU में एडमिट किया जा रहा है। और सडनली मुझे मजबूरन यहाँ से अपना पुत्र होने के कर्तव्य के नाते ग्वालियर से इंदौर मूव करना पड़ा। और वहाँ जैसे ही मैं ICU में पहुँचा अपने फादर के पास, तो मेरे फादर का पहला सेंटेंस था कि तू यहाँ क्यों आ गया, नेक्स्ट बस पकड़, ग्वालियर जा, और जब तक तिरंगा फहरा के लौट के ना आएगा मुझसे मिले मत। उस जो पापा का